जय हिंद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग पर प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है बिल्कुल इजीली वे में दोस्तों, जो एग्ज़ाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों जो मैं जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, कई साल के ये क्वेश्चन पेपर के दोस्तों एक निचोड़ है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। बिल्कुल ईजिली वे में बताऊँगा दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद आपको। तो वीडियो को दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बता दिया वेपन ट्रेनिंग, दोस्तों इससे पहले हमने जो अपने सीरीज है बिल्कुल डीपली बिल्कुल एनालिसिस बताया था वेपन ट्रेनिंग कैसे कहते हैं, इसके जो कैसे हम SLR जो भी हमारे पॉइंट टू डिलेक्स मार्क वो सभी दोस्तों हमने इजीली वे में बताया। लेकिन इसमें दोस्तों हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं, आपको रिमेंबर करा रहे हैं उन सभी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको आइए वीडियो हम दिखा देते हैं और वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि SLR और 5.56 इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं आपको और बताने से यानी स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि ध्यान रखना दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना वन लाइनर है, लेकिन मैं दोस्तों इन क्वेश्चनों में भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, यानी वन क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड और तमाम क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल ईजिली वे में इसी वीडियो में दोस्तों आपको एक साथ बताते हुए चलूँगा, और आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। बाकी दोस्तों ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो SLR और 5.56 इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है। ऑपरेशन सिस्टम का मतलब दोस्तों जैसे हम किसी चीज़ का ऑपरेशन खोलते हैं, यानी हम उसका ऑपरेशन करते हैं, उस चीज़ को खोलते हैं ना, तो ऐसी दोस्तों सेम SLR और दोस्तों जो 5.56 इंसास है, SLR मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल और दोस्तों इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल का दोस्तों ऑपरेशन सिस्टम कैसा है, यानी जो हम इसमें गोली कैलिबर है अपना जो कारतूस डालते हैं वो दोस्तों कैसे मतलब वर्क करता है, सेल्फ लोडिंग हम इसमें दोस्तों खुद ही हो जाती है लोड। सेल्फ लोडिंग का मतलब ध्यान रखना लीडिंग नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना सेल्फ लोडिंग है ना, तो ध्यान रखना ये अपना आप लोड होती रहती है। एक बार हम इसमें जो अपनी मैगजीन में यहाँ पर जो हमें सारी वो जो है दोस्तों बुलेट्स डाल देते हैं और अपना आप दोस्तों ये सेल्फ लोडिंग होती रहती है वन बाई वन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बट फायरिंग के दौरान वेटिंग डिलेक्स फायरिंग बट से कितनी गज की दूरी पर होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों जो बट फायरिंग है, यानी दोस्तों जब हम बट फायरिंग के साथ दोस्तों जो हमारा बैटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से दोस्तों गज की दूरी पर होता, आपने देखा होगा दोस्तों जब आपको फायरिंग कराई जाती है और जो आप करोगे तो ऐसे में दोस्तों जो फायरिंग कराई जाती है उसमें दोस्तों जो हेल्पर होते हैं वो दोस्तों 25 गज अराउंड मान लिया जाता है, बट एवरेज हम ले लेते हैं कि 25 गज की दूरी पर वो दोस्तों खड़े होते हैं, है ना। तो बट फायरिंग के दौरान जो बैटिंग डिटेल्स है यानी जो उस समय डिटेल्स देती है कि एक फायरिंग कंप्लीट, एक फायरिंग दूसरी कंप्लीट, दो कंप्लीट, ऐसे में वो कितनी दूरी पर दोस्तों कंप्लीट होते हैं, 25 गज की दूरी पर। ईजिली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ भी रहा होगा। बात कर लेते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, SLR राइफल की प्रभावी रेंज यानी जो इफेक्टिव रेंज क्या होती है। ध्यान रखना दोस्तों दो रेंज होती है, एक तो इफेक्टिव होती है, एक होती है दोस्तों तीव्र, है ना, दो रेंज होती है, थोड़ा ध्यान रखना आप। तो SLR की जो दोस्तों प्रभावी रेंज है वो सभी दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको बिल्कुल इस सीरीज़ में यानी जो ये वाली PDF है इसमें तमाम मिल जाएंगे आपको। तो अभी इतना ध्यान रखना है SLR की जो राइफल की जो इफेक्टिव रेंज है वो कितनी है दोस्तों, यानी जो SLR की जो बंदूक से फायरिंग करते हैं वो कहाँ तक जा सकती है, वो दोस्तों 300 गज तक जा सकती है, और आपको पता होगा कि जो .22 है वो दोस्तों 25 यार्ड तक जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों 300 गज यानी 285 मीटर तक ये जा सकती है। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो LMG मैगजीन की क्षमता यानी जो LMG मैगजीन की जो कैपेसिटी है जो राउंड प्रति मिनट कितनी होती है, तो दोस्तों 3 राउंड प्रति मिनट होती है, ध्यान रखना है ना 3 राउंड। LMG का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आपको पता होगा लाइट मशीन गन, ठीक है। दोस्तों आइए आगे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5.5 mm इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है। अभी हमने बात करी थी दोस्तों 7.62 SLR की, किसकी एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों आपको मैं, हमने अभी किसकी बात करी थी दोस्तों, अभी हमने बात करी थी दोस्तों LMG उसकी SLR राइफल की प्रभावी रेंज, ओके ये थोड़ा आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि 5.56 mm इंसास राइफल की जो इफेक्टिव रेंज है वो कितनी है दोस्तों, यानी 400 मीटर तक ही जा सकती है, ओके जो 7.62 है वो दोस्तों 300 मीटर और ये दोस्तों 400 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7.62 mm SLR की जो कारगर रेंज है वो दोस्तों कितनी है। कारगर रेंज दोस्तों थोड़ा कम होता है इसका SLR का, तो ध्यान रखना 275 नॉर्मली होता है, कभी कह भी देते हैं कारगर रेंज आया तो दोस्तों 275 लिखना है, और इफेक्टिव रेंज है SLR की तो दोस्तों आपको कितना लिखना है 280 लिखना है, 285 लिखना है, ओके।
और ध्यान रखना दोस्तों, जो बार बार ये पूछा जा रहा है ना 7.62 mm SLR, यानी जो SLR राइफ़ल है, यानी जो SLR राइफ़ल की जो दोस्तों बैनेट है ना ये वाली, यानी जो कैलिबर है, ये जो मज़ल है, ये दोस्तों 7.62 इसका आकार है ना। तो इसी के बिहाव पर दोस्तों इसका जो 7.262 mm SLR हम कहते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हो दोस्तों, LMG की जो ट्रिप फायर रेंज है वो दोस्तों कितने मैगजीन प्रति मिनट होती है, तो 3 मैगजीन है ना, 3 मैगजीन प्रति मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बात कर ले दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है SMC का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखना दोस्तों, अपने हम अभी आने वाले सेशन में दोस्तों हम फुल फॉर्म से रिलेटेड, यानी जो पूछी जाती है शॉर्ट टर्म में जो फुल फॉर्म होती है वो भी आपको मैं इजीली वे में बताएंगे। तो अभी दोस्तों जो हमारा वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड आ रही है तो हमने यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों SMC का पूरा नाम क्या है दोस्तों, स्टेन मशीन कार्बाइन, ठीक है, स्टेन मशीन कार्बाइन, ये आप थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आइए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हमें पता चलेगा क्वेश्चन नंबर लो कि LMG का जो मुख्य है, यानी जो LMG मशीन, यानी जो राइफ़ल है, यानी लाइट मशीन गन को हम कितने ग्रुपों में खोला जा सकता है। इससे पहले हमने दोस्तों अपनी एनालिसिस वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके हमारे जो वेपन ट्रेनिंग का दोस्तों प्लेलिस्ट है वो जाके देख सकते हैं। तो LMG को दोस्तों मुख्य 5 ग्रुपों में खोल सकते हैं, कैसे कैसे अभी आएंगे आगे बता दूँ दोस्तों। हम पिस्टन ग्रुप में खोलते हैं, PI पोर्ट ग्रुप में खोलते हैं, ग्रुप इसमें खोलते हैं, तो सभी मतलब ये आपको पता चलना चाहिए कि 5 ग्रुपों में हम इसे खोलते हैं, किसे LMG को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, 7.62 mm SLR में खांचों की संख्या कितनी होती है, जो खांचे होते हैं ना यानी जगह वो कितनी होती है दोस्तों, ध्यान रखना 6 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7.62 mm SLR राइफ़ल का जो कैलिबर क्या होता है। कैलिबर दोस्तों आपको मैंने बता दिया, देखो जिसमें हम गोली डालते हैं, मान लीजिए हम दो, आपको पता होगा कि जब हम लोडिंग करते हैं तो गोली जो होती है, जो गोली अंदर जाती है तो वो दोस्तों साइज ही जाएगी, आपको पता होगा कैलिबर 7.62 का, जब भी तो वो 7.62 पर जाएगी, तो है ना, ये बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि 7.62 mm SLR राइफ़ल का जो भरी हुई मैगजीन के साथ इसका वेट कितना होता है। तो इसका भरी हुई मैगजीन के साथ दोस्तों जो 7.2 SLR राइफ़ल का जो वेट होता है 5.1 kg होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो दोस्तों पता चलता है क्वेश्चन नंबर 13, तो 7.62 mm SLR राइफ़ल में कितने राउंड लोड होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों 20 राउंड लोड होते हैं किसमें, SLR में, और एक बार में फायरिंग करती रहती है, अपना सेल्फ लोडिंग राइफ़ल है इसलिए SLR कहते हैं, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, 7.62 mm SLR का पूरा नाम, तो ये तो आपको बता दोगे, बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ओके, सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, तो LMG की जो लंबाई है, यानी जो लाइट मशीन की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों 1130 mm, यानी मीटर, है ना, मीटर, तो ध्यान रखना ये भी आप। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, LMG की दोस्तों जो मजल वेलोसिटी है, यानी दोस्तों जो इसकी मजल से दोस्तों इसकी जो औसत है वो कितने, मतलब हम कह सकते हैं फीट तक होती है प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना दोस्तों 2700 फीट प्रति सेकंड होती है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है दोस्तों, तो ध्यान रखना 2700 फीट इसकी प्रति मिनट जो मजल वेलोसिटी है, यानी जो जा सकती है क्षमता इसकी इतनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यानी 7.62 mm जो SLR है उसकी मैगजीन में कितने राउंड लोड, यानी जो गोलियाँ भरी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना 20 राउंड होती है, ये आपको अभी पिछले हमने बताया था। तो दोस्तों आइए आगे बात कर लेते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि 7.62 mm जो LMG की जो कारगर रेंज है, यानी जो कारगर रेंज है कितनी दूर तक जा सकती है जो LMG, वो ध्यान रखना दोस्तों कितने तक जा सकती है। तो 500 यार्ड, यानी 500 मीटर तक जा सकती है। आपको पता होगा 0.22 कितना जाती है दोस्तों, एक बार मेरे को बताइए कि जो 0.22 है दोस्तों 25 जाती है, SLR दोस्तों हमारी 300 जाती है, ये ध्यान रखना, और LMG हमारी दोस्तों कितनी 500 जाती है, ओके, और इंसास दोस्तों कितनी जाती है 400 मीटर तक, यानी गज तक, ओके। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, तो 7.2 mm SLR की जो कारगर रेंज कितने गज तक होती है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया 300, ओके, ध्यान रखना 400 किसकी होती है दोस्तों, इंसास की, ओके। अब अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों, LMG राइफ़ल के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। LMG में दोस्तों जो राउंड राइफ़ल में राउंड भरे जाते हैं कितने दोस्तों, 30 राउंड तो भरे जाते हैं, लेकिन दोस्तों 28 राउंड भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं, क्योंकि जो 30 राउंड इसलिए नहीं भरे जाते क्योंकि जो मैगजीन फुल हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों वो सेल्फ लोडिंग लेंगी तो सेल्फ लोडिंग में दोस्तों जो बुलेट्स है वो अटक जाएगी, तो इसलिए 30 की जगह दोस्तों 28 भरे जाते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो दोस्तों,
दोस्तों अगला बात करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, 7.62 mm जो राइफल का वजन कितना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 4.4 kg होता है, लेकिन दोस्तों अगर मैगजीन के साथ भरा हुआ तो दोस्तों 5.1 kg आपको जैसे मैंने पीछे बताया था। बात कर ले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, तो 0.22 mm राइफल का दोस्तों वजन कितना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 6.2 oz होता है, यह आपको अच्छे से पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7.62 LMG जो राइफल है, 7.62 दोस्तों जो LMG राइफल का वजन कितना होता है, तो 9.2 kg होता है, ध्यान रखना किसका, 9.2 kg होता है किसका दोस्तों, 7.2 LMG राइफल का, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी दोस्तों जो 7.62 mm राइफल है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो दोस्तों ध्यान रखना रिकवॉयल स्प्रिंग और गैस का धक्का, यानी दोस्तों ये ना जो हमारा खोकल होता है उस पर दोस्तों एक अंदर सा वो होता है बैनेट, तो अंदर से दोस्तों गैस का धक्का लगता है, वो खोकल तो पीछे ले लेते हो बुलेट आगे छोड़ देते हो, तो इसका सिद्धांत का कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो LMG कितने पार्टों में खुलती है, तो 5 पार्ट, तो वो 5 पार्ट कौन कौन से है दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन नंबर यही है कि पूछा जाए कि आपसे LMG कितने भागों और किस क्रम में खुलती है, तो ध्यान रखना 5 पार्टों में खुलती है, कौन कौन से क्रम में खुलती है दोस्तों, बिल्कुल इक्वल, तो पिस्टन ग्रुप में खुलती है दोस्तों, बॉडी ग्रुप में खुलती है, बट ग्रुप में खुलती है, बैरल ग्रुप में खुलती है, और दोस्तों PI पोर्ट ग्रुप में खुलती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26, तो कार्बाइन मशीन गन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ध्यान रखना ब्लो बेक एक्शन पर कार्य करती है, कार्बन जो मशीन सिद्धांत किस पर कार्य करती है, तो दोस्तों ब्लो बेक एक्शन पर कार्य करती है, दोस्तों ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके सी एग्ज़ाम में, तो काफ़ी टफेट एग्ज़ाम होता है, तो बिल्कुल ईजिली ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन बात करें तो दोस्तों फायर प्रैक्टिस पर टारगेट की साइज़ क्या होती है, यानी दोस्तों जो फायर प्रैक्टिस पर हम जो टारगेट करते हैं है ना, तो उसको साइज़ क्या होता है दोस्तों, 1 × 1 ft होता है, तो ध्यान रखना उस पर जो हम टारगेट पर दोस्तों फायर करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आगे हम और जानेंगे दोस्तों इसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइफल को फायर करने की प्रमुख पोजीशन कौन कौन सी है ना, पोजीशन लिखिए कौन कौन सी पोजीशन है, सॉरी दोस्तों यहाँ दोस्तों राइफल को फायर करने की प्रमुख पोजीशन नहीं, दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो राइफ़ल को साफ़ करने की कौन कौन से तरीके हैं, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि राइफ़ल को साफ़ करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला है दोस्तों साफ़ कपड़े से पुर्जों को हिस्सों को साफ़ करना, यानी दोस्तों यही है क्वेश्चन कि जो राइफ़ल को हम साफ़ करने के कौन कौन से सही क्रम हैं, क्या साफ़ करने के तरीके कौन से है, तो क्वेश्चन ये है दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन ये नहीं है, गलत से यहाँ टाइप हो गया है। तो पहला है दोस्तों साफ़ कपड़े से पुर्जों के हिस्सों को साफ़ करना, तेल लगाने के बाद हथियारों को बाद में जोड़ देना, तहजीब से पुर्जों को हम खोलना, बैरल को साफ़ करने के लिए पुल थ्रो, दोस्तों पुल थ्रो एक कपड़ा होता है, मैं दोस्तों आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे फोटो है जो पुल थ्रो यानी जो जिसका साइज़ होता है 10.5 cm का इस्तेमाल करना, सफाई करने के बाद दोस्तों वापस पुर्जों को जोड़ना और उन पर दोस्तों तेल लगाना, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करें तो दोस्तों एक अच्छे निशानबाज के लिए दोस्तों क्या गुण होने चाहिए, कि एक जो अच्छा निशानबाज है तो उसके लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, तो दोस्तों पहला गुण है कि एक अच्छा निशाना बांधना यानी एक टारगेट लेना पहला, तो फिर राइफल को अच्छी पकड़ करना, होल्डिंग करना, फिर दोस्तों ट्रिगर चलाना, तो ये काफ़ी मतलब एक अच्छे जो निशानेबाज है शूटर के दोस्तों ये तमाम गुण होते हैं जो एक अच्छे निशाना गुण कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेपन ट्रेनिंग में, वो दोस्तों फ्लिंदा ब्लैंक्स पे पूछे जाते हैं है ना, ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल ईजिली में देखे हो और आपको ईजिली समझ में भी आ रहा होगा, विद PDF दोस्तों आपको मिलेगी। जो भी हमारे व्हाट्सअप सब ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, तथा टेलीग्राम पर भी दोस्तों हम ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें और जो भी PDF अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, ताकि अगर मैं दोस्तों अगर आपको लाइव पढ़ाऊँ ना तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों देखते हैं जो एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो पहला है दोस्तों राइफ़ल की सफाई के लिए फ्लालेन का आकार, फ्लालेन दोस्तों एक हम कह सकते हैं टाइप्स होता है कपड़ा, और दोस्तों एक लकीर से होते हैं जिससे हम राइफ़ल की सफाई करते हैं अंदर, यानी जो बैरल होती है ना बैरल के अंदर जाके, तो उसका आकार क्या होता है दोस्तों 4.2 meter होता है, ध्यान रखना ये पूछा जाता है ना। अगला दोस्तों इसमें फ्लिंदा ब्लैंक्स में 7.62 mm SLR के ट्रिगर पर कितनी बार दबाव डाले जाते हैं, यानी जो दोस्तों 7.2 mm जो SLR के ट्रिगर पर दोस्तों 2 बार हम दबाव डालते हैं जब भी दोस्तों फायर वो करती है कौन राइफ़ल,
है ना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, प्लेन द ब्लैंक से पूछा जाता है कि 7.62 MMSLR की जो थ्री फायरिंग की क्षमता है वो दोस्तों कितनी करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं मैक्सिमम कर सकती है वो दोस्तों 60 राउंड प्रति मिनट कर सकती है, कि सेल्फ लोडिंग लेके वो दोस्तों 60 राउंड प्रति मिनट कर सकती है कौन SLR 7.62 MM, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करें तो दोस्तों अगला है कि 0.22 राइफल के पुल थ्रो में दोस्तों कितने लूप होते हैं, तो 3 लूप होते हैं, ये थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये नॉर्मली बेसिकली क्वेश्चन है कि 3 लूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शूटिंग की लेटने की स्थिति में खड़ा त्रिकोण डैश के साथ बनता है, यानी दोस्तों हम जब शूटिंग करते हैं लेट, जब हम लेट के शूटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा हाथ है एक बायां वाला हाथ है, यानी हम जो बट जो हमारा बैलर उस पर हाथ रख के हमारा नीचे हम वो करते हैं ना, कोनी के सारे दोस्तों हम कोनी लगाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों एक ट्रायंगल बनता है, खड़ा ट्रायंगल, तो वो दोस्तों किसके साथ होकर बनता है, तो दोस्तों भूमि के साथ ट्रायंगल होकर बनता है, ये भी आपको पता होगा जब आपने फायरिंग करी होगी है ना। ज़मीन पर हमारा सारा होगा जब ही तो ट्रायंगल बनेगा, मान लीजिए ना यहाँ पर वो फायरिंग कर रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों हमारी कोनी और ये ट्रायंगल बनना है, तो ये ट्रायंगल वाला हिस्सा हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो दोस्तों गोली चलाते समय डैश हाथों द्वारा राइफल से ओर सटानी चाहिए, तो ध्यान रखना दोस्तों हमारे जो राइफल चलाते समय दोस्तों दाएं हाथ द्वारा राइफल से ओर सटानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बात करें दोस्तों तो और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, गोली चलाते समय दोस्तों ग्रेविटी यानी जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है। एलिवेशन दोस्तों एक मानते हैं कि हाँ राइफल जब घूम रही होती है, ऐसे राइफल घूम रही है तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, जिससे हमारा जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कम वो हमारा कंट्रोल हो जाए तो अच्छे से हम फायरिंग कर सकते हैं, यह आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है। थंब स्प्रिंग को अनुकूलित यानी जो एडजस्ट करने के लिए दोस्तों राइफल की रेंज बढ़ती है मजल की ओर, यानी दोस्तों जो थंब स्प्रिंग होता है उसको हम ढंग से अगर एडजस्ट करें तो जो राइफल की जो रेंज है वो बढ़ जाती है, मजल की ओर बढ़ जाती है, आगे की तरफ हो जाती है वो, ये भी शायद ध्यान रखना। एक्सट्रैक्टर होता है ना दोस्तों, ध्यान रखना ये राइफल का अंदर वाला पार्ट होता है, वो काफ़ी मतलब आपको नहीं दिख पाएगा अगर मैं बताऊं भी राइफल के साथ, तो राइफल के अंदर वाला पार्ट होता है, मैं इतना यहाँ बता देता हूँ आपको। एक्सट्रैक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बुलेट्स होती है, तो बुलेट्स जो होती है मान लीजिए कि जो बुलेट्स है 0.22 है, तो ऐसे में दोस्तों जो ये वाली तो राइफल ये आगे वाली निकल जाती है, और जो पीछे वाला हिस्सा है ना वो एक्सट्रैक्टर के माध्यम से दोस्तों पीछे खींच लेता है कारतूस को, खाली जो गैस कलेक्टर होता है उसमें दोस्तों जो खाली जो मैगजीन यानी जो कारतूस का जो खोकल है वो उसमें आ जाता है, तो एक्सट्रैक्टर का काम है दोस्तों जो खाली खोकल को खींचता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, कभी आप अपने जो पीएच स्टाफ से ज़रूर पूछना है ना। हमने तो पूछा और अभी हमारा कैम भी हुआ तो हमने अच्छे से समझा भी है इसको, जब भी आपके सामने दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों यदि बोल्ट सही बंद से नहीं हुआ तो राइफल करेगी क्या, फायर नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखना, यानी जो बोल्ट स्टड होता है ना अगर वो ढंग से कोक नहीं हुआ है तो ऐसे में दोस्तों जो राइफल है वो फायर नहीं करेगी, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करें तो जब चैम्बर में डैश होता है तो राइफल लोडेड होती है, यानी ध्यान रखना जब चैम्बर में दोस्तों राउंड्स या कारतूस होता है तो जो हमारी राइफल कहलाती है लोडेड कहलाती है, भैया अपनी राइफल लोडेड कर लो मतलब यानी उसमें जो गोली बारूद जो कारतूस है वो दोस्तों उसमें मतलब डाल लो या मतलब प्रिपेयर हो जाओ, तो उसे कहते हैं जब हम राइफल लोड हो जाती है हमारी, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करें तो राइफल की जो न्यूनतम रेंज है और अधिकतम रेंज होती है, यानी जो एक भी कोई भी राइफल होती है उसकी जो न्यूनतम रेंज होती है दोस्तों 200, वो तो करेगी 200 गज, मैं 0.22 को यहाँ नहीं ले रहा, वो अजेप्शन में आ जाता है, ठीक है ना। 0.22 तो न्यूनतम हो गई, सॉरी राइफल की जो न्यूनतम रेंज हो गई वो 200 गज हो गई, और दोस्तों जो मैक्सिमम हो गई दोस्तों 2000 गज तक हो गई, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ध्यान रखना दोस्तों इस सीरीज़ में सारे हैं क्वेश्चन जो इसके बाहर है ही नहीं क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल इजीली से अच्छे से देख भी रहोगे, आपको समझ में आ भी रहा होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, 4 फुट के लक्ष्य के पुल का व्यास फुट होता है, 1 फुट होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों 4 फुट के लक्ष्य के पुल का व्यास दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर आएगा क्या 1 फुट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तेज़ हवा में वायु की गति डैश मीटर घंटे से अधिक होती है और ध्वज डैश डिग्री पर लहराता है, ध्यान रखना दोस्तों तेज़ जो हवा में जो वायु की गति दोस्तों 20 मीटर प्रति घंटा के अधिक होती है और जो ध्वज है दोस्तों 90 डिग्री पर क्या लहराता रहता है, आपने देखा भी होगा कभी है ना, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो एक क्वेश्चन और इसमें जो ऐड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सत्य यानी रॉन्ग और जो राइट और रॉन्ग में दोस्तों पूछा जाता है कि जो
7.22 यानी 7.062 है, उसका जो कैलिबर 7.62 है, राइट रॉन्ग, तो आपको लिखना होता है राइट और रॉन्ग। ओके, यहाँ ऑप्शन तो नहीं होता, डायरेक्टली लिखना होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ऐसे ही दोस्तों 7.62 mm LMG 5 ग्रुपों में खुलती है, मैंने आपको बताया था, पिस्टन हो गए, PI पोर्ट हो गया, ये सभी दोस्तों मतलब राइट है खुलती है। 7.62 SLR में दोस्तों 6 खांचे होते हैं, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल 6 होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 0.22 राइफल की मैगजीन में क्षमता 10 राउंड की होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों रॉन्ग, नहीं होती है, ठीक है, ये आप डायरेक्टली ध्यान रखना। आगे बात करें तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 0.22 राइफल का जो कैलिबर है 0.22 mm होता है, बिल्कुल सही है, जबी तो दोस्तों इसका 0.22 राइफल का नाम ही 0.22 पर जो इसका कैलिबर के भी पर पड़ा है। अगला है दोस्तों 0.22 राइफल की जो कारगर रेंज 25 गज होती है, बिल्कुल सही है, आपको अच्छे से पता भी होगा इसका ना, बट आपको ध्यान रखना है दोस्तों SLR LMG और इन साइज का भी इफेक्टिव, यानी जो इनका गज है कहां तक जा सकती है वो ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3.03 राइफल की जो संगीन लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों 61.5 इंच होती है, बिल्कुल सही, ये भी आपको पता होगा, मैंने अपने एनालाइज वाली वीडियो में बताया भी था। आगे बात करते हैं तो दोस्तों अब पता चलेगा कि बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और कैसे कैसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भी आपको PDF चाहिए तो बिल्कुल दोस्तों हमारे इंस्टा, यानी जो इंस्टा के साथ साथ दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड अप करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। अगर दोस्तों अगर आपको दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों लाइव पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो ध्यान रखना दोस्तों वेपन ट्रेनिंग मैंने सब अरे बता दिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ये एक बार PDF और अच्छे से एक दो बार रिमाइंडर कर लो तो आपको बिल्कुल ईजिली में समझ में आ जाएगा जो वेपन ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक भी क्वेश्चन दोस्तों इनसे बाहर से नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो भी पहली बार देख रहे हो चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी तमाम वीडियो अपलोड आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।